दोस्तों आपके शहर के ग्राम पंचायत में कोई भी काम आता है जैसे नहर साफ होना, कुएं खोदना, तालाब खोदना या नालियों की सफाई होना, और भी कोई काम है, और भी बहुत से काम हैं जो काम आते हैं, ये मनरेगा आपको काम देता है। और ये काम ग्राम पंचायत और रोजगार सेवक और मुखिया के अंडर में आते हैं, इनके पास इन सब का पैसा आता है तो ये पैसों की खाई बाड़ी कर लेते हैं, क्योंकि जो मजदूरों के नाम दिए जाते हैं, जो लोग मजदूर पैसे काम करते हैं सब में, तो ये मजदूरों की जगह अपने घर वालों का नाम दे देते हैं, तो ये पैसे उन्हीं के घर में आते हैं, और इस तरीके से मुखिया रोजगार सेवक पैसे खा जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्राम में काम हो पूरा और आपके पैसों की खाई बाड़ी ना हो, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप ये, क्योंकि ये मास्टर रोल के अंडर में काम होता है पूरा, और आजकल हर काम ऑनलाइन होने लगे हैं, तो आज आप जानेंगे इस वीडियो में कि इसकी पूरी आप लिस्ट कैसे निकालें, क्योंकि सरकार ऑनलाइन नेट पर हर चीज़ डाल देती है कि सरकार ने इस मुखिया को या रोजगार सेवक को इतना रुपया भेजा है इस काम के लिए, और इसने कितना रुपया खर्च करा है, और ये इसने कितना रुपया अपने पास रखा है, तो आप इस तरीके से इसकी पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल आदिल। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आ जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए एनरेगा, केवल एनरेगा करिए, NIC कुछ नहीं लगाई है, .NIC.IN कुछ नहीं लगाई, खाली एनरेगा। आप खाली ये सर्च करेंगे तो आपको ही आसानी होगी। तो गाइस देखिए आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। अगर आप महात्मा गांधी नेशनल रूरल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दिक्कत होगी, आपको खाली मास्टर रोल निकालना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर ग्राम पंचायत दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, तो सीधे आप उसकी ऑफिशियल जगह पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप जनरेट रिपोर्ट लिखा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइस आपके सामने ये प्रदेशों के नाम आ गए हैं, जो भी आपका जिस स्टेट के हों आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ। अब आपके सामने एक ऐसा पेज खुलकर सामने आएगा, यहाँ पर आपको देखिए लिखा है फाइनेंशियल ईयर, आपको यहाँ पर अपनी ईयर सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ 2020 से 2021। अब यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ इटावा। अब आपको यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट करना है, तो मैं अपना ब्लॉक सिलेक्ट करता हूँ बसदेहर। अब आपको पंचायत सिलेक्ट करनी है, लिखा है पंचायत, अब यहाँ पर आप सिलेक्ट पंचायत पर क्लिक करें और जो भी आपकी पंचायत हो उस पर क्लिक कर दें, तो मैं अकबरपुर पर पंचायत पर सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ प्रोसीड लिखा है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए यहाँ पर आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत लिखी है। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आर टू डिमांड एलोकेशन एंड मास्टर रोल लिखा है इस पर, आप देखिए 8वें नंबर पर मास्टर रोल लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए अब आपके सामने एक और नया पेज खुलकर सामने आएगा, इस पर आप देखिए जो कार्य है वो सिलेक्ट करिए और MSR संख्या सिलेक्ट करिए। तो देखिए आप जैसे ये सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा है तीर का, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे काम आ गए हैं। देखिए जैसे
हरिहापुर में आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण करें, तालाब से सेंगर नदी का तक नाली साफ सफाई करें। देखिए ये सब जो ग्राम पंचायत मुखिया और रोज़गार को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सब यही आ गई हैं। अब आप अपने तरफ की जो भी सुविधा है उसकी कुछ चुन लें। देखिए मैं जैसे चुन लेता हूँ अपनी, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगाएगा सर्च करने में, 5 से 10 मिनट तो आप सर्च कर लीजिए और ये चलिए मैं कोई सा भी जैसे कर लेता हूँ। देखो जैसे लिखा है ज्वाला भरत सिंह का पशु श्वेत निर्माण करें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप MSR संख्या दिख रही है और सिलेक्ट क्लिक करा रहा है, इस पर करें क्लिक और आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 110 2-3 ऑप्शन आते हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है गाइस, आजकल दिक्कत दे रहा है नेट, तो इस चक्कर में थोड़ी आपको असुविधा हो रही है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमने, देखिए नीचे एक ऐसी लिस्ट आ जाएगी। तो देखिए ये पूरा आ गया है, कार्य सहित मास्टर रोल संख्या 110 है, तारीख से इतनी तारीख से तारीख को, स्वीकृति क्रमांक, स्वीकृति दिनांक आ गया, पूरा आ गया। देखिए गाइस नीचे लिखा है ऑप्शन भरत सिंह सेल्फ, कुल हाजिरी 11। देखिए पूरी हर चीज़ पूरी डेट है, पोस्ट ऑफिस ब्रांच कोड ये है, रामनगर पोस्ट ऑफिस है इसका, बैग लिस्ट नंबर स्टेटस क्रिएटेड, इनके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। देखिए पूरी डिटेल है, अगर आप इनकी पूरी डिटेल ऑन निकालना चाहते हैं तो भरत सिंह सेल्फ लिखा है उसके नीचे, ये देखिए नीले रंग में ये लिंक है, इस पर क्लिक कर दिए। तो इनकी पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। देखिए भरत सिंह का यहाँ पर अभी फोटो आ जाएगा, तो भी नेट की दिक्कत है, इस चक्कर में अभी नहीं आया है। पूरी इनकी डिटेल आ गई है, इन्होंने इस जगह इतने रुपए खर्च करे हैं, पूरी डिटेल आ गई है। अब जी देखिए इधर वर्क नेम है, इधर वर्क नेम पर आप इनके क्लिक करिए, सरकारी ट्यूबवेल से सरनम के खेत तक सफाई खुदाई, ये इन पर काम पर क्लिक करिए, इनके पूरा आ जाएगा। देखिए इनका वर्क स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, ये अपना काम पूरा कर चुके हैं। गाइस बहुत से लोग हैं, सरकार इन्हें पैसा देती है काम के लिए और ये काम नहीं करते हैं और पैसा सब खा जाते हैं। तो इस तरीके से गाइस अगर आप अपने ज़िले की अपने पंचायत की लिस्ट निकालेंगे और आप देखेंगे इन्होंने कितना रुपए खर्च किया है और कितना इनके में आया है, तो आप उनसे कहेंगे तो वो वहीं के वहीं चुप हो जाएंगे। गाइस इस तरीके से आप ये लिस्ट निकाल सकते हैं और उनकी पूरी डिटेल देख सकते हैं और अपने मुखिया की, रोज़गार सेवक की, अपने ग्राम पंचायत के जो पंचायत है उसकी बोलती बंद कर सकते हैं और इससे आपसे वो डरने लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।